मार्केट कमेटी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नरवाना कस्बे की नई अनाज मंडी में धान खरीद का कार्य अब तक सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते बुधवार को नरवाना की नई अनाज मंडी में अपनी धान लेकर पहुंचे किसानों ने मंडी गेट को ताला लगा दिया व सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच जींद के डीसी नरेश कुमार नरवाल अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंडी में पहुंचे, किसानों को समझाने का प्रयास किया। क्या कुछ कहना है किसानों का और किस प्रकार की फटकार नरवाना मार्केट कमेटी के अधिकारियों को लगाई है, जानने के लिए देखिए न्यूज़लाइन नरवाना की ये पूरी रिपोर्ट। सिस्टम रखा है यहाँ पे, ऑनलाइन गिरदावरी चेक करेगा, देखेगा कि गिरदावरी में कितने उसमें आई, ऑनलाइन गिरदावरी डाल दी तो गिरदावरी में चेक करो कितनी है, फिर पटवारी से वेरीफाई करके ठीक कराओ। मौके पे हम इसको ठीक करवा सकते, ये थोड़ी ना है कि 5 किले उसने 7 किले बो दिए, आपको उसके बाद हो गई, आप मिल साइड करो, कैसे सब काम चलेगा भाई, जमींदार को उठता थोड़ी कर रहा है, उसको एडजस्ट करो यार, ठीक है। शक्ति कौन है, क्या नाम है, उसाइड जी, वो क्या है, तो शक्ति जितना तो एक नंबर का क्या काम कर रहा है यार, बोले आपको ये नहीं पता कि भाई अगर किसी की गिरदावरी में कम लिखी गई तो उसको ठीक कराओ यार यहाँ पे। हाँ जी, आज जो मंडी को ताला लगाया गया था, क्या समस्या थी? देखिए समस्या हमारी आके देख तो बोली प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी, और समस्या थी 17-2, 17-4 अगर किसी जीरी में मीटर में आ गया उन जीरियों को भी छोड़ रहे थे। दूसरी हमारी एक डेयरी में 2 जगह मीटर लगा दिया, एक में मीटर 16-17 आवा है, एक में 18 है, जिसको छोड़ देते थे। अच्छा, डीसी साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब 2-3 विषय पर हमारी चर्चा हुई है खुलकर उनका, एक तो 2 बोली होनी चाहिए मंडी में, दूसरा हमारे मिलों की समस्या कैपेसिटी से कम मिल है, मिलों की संख्या बढ़ाई जाए और FCI की परमानेंट परचेज हमें चाहिए, 4 हमारे सब सेंटर हैं उनमें आज से ही खरीद शुरू करी जाए। SDM साहब ने कहा, DC साहब ने, कल से उनमें परचेज शुरू करा देंगे। कल से ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या कदम आगे किसानों के? देखो हमने कहा है कल तक का टाइम है आपके पास, अगर कल तक सरकार ने नामा में कड़ियाँ जानते हैं हमारे किसान साथी जानते फिर उरे आवांगे, रोड़ा रब्दा की जरूरत पड़े रोड़ा रब्दा करेंगे, पहले कोशिश करेंगे वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके हमारी मांगों को मनवाया जाए। हाँ जी अंकल, क्या समस्या आज यहाँ मंडी में बनी हुई थी? समस्या तो भाई बोली ठीक नहीं हो रही थी, गपलेबाजी कर रहे हैं, 70 वाली नहीं छोड़ देंगे। कितने दिन पहले आप धान लेकर यहाँ पहुँचे थे? 5 दिन हो गया था, मंडी बार ने कटवाई थी जी, हरिद्वार ने उड़ाया दी थी। जो खरीद करने आती है एजेंसी, क्या उनका बहाना रहता है भाई, खरीद क्यों नहीं हो पा रही? खरीद तो वही है कि आधी देरी ले अपना भाज दे, अपना देखे कुछ मिले ही है, मिली भक्ति भी हो रही है। हाँ जी, क्या समस्या है जो आप जीरी लेकर यहाँ पहुँचे? भाई जीरी की समस्या अभी आज लेंदे तो कौन जीरी ने, 5-3 दिन हो गया बैठे हैं उड़ा, कुआं तो कह दे थी छिद्दी कर दो, कुआं कह दे थी पटड़ी कर दो, मैं तो पटड़ी करना पर छिद्दी करना पर दिए वाले खेत में वहाँ तो ऐडे बाना पड़ गया। तो आज DC साहब आए थे, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? उन्हें दिया भाई आश्वासन, बोलिया बोली हो जी की 2 बोली रोज करेंगे, और 17-18-19 लाख आया भी मैं तो किसान तो 20 लाख आए ले लो जी, उन्होंने कह गया भाई बात तो होगी नहीं, उसके उसके कमेटी आने वाले मिल जाने वाले सारे मीटिंग करके फिर बता दूँ 19 लाख ले लेंगे। तो क्या आप जो DC साहब ने आश्वासन दिया उससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? बजे काम तो हमारी जीरी तो बिकी जाए संतुष्ट आए, और जो ना बिकी फिर संतुष्ट किया फिर तड़का फिर गोला जाम कर दिया, नहीं दे अड़े फिर गेट के ताला ला कर नारे लावा किसान आगे। बाहर की जीरी कुछ अड़ती भी लिया है, कुछ मिल अड़े भी लिया है, कुछ हाल भी लिया है, संतरा जोड़ का पी लगा, इस तरह कोई आदमी जा गया हम उसकी बक्सा नहीं है भाई, कड़ी चेतावनी। किसानों की कुछ समस्याएं थी ग्रीवेंस हैंडलिंग की,
कि भाई जो ग्रीवेंसीज हैं मंडी में, कोई MFMB की ग्रीवेंस है, कोई गेट पास की है, टोकन की है, उसके बारे में ज़मींदारों ने कुछ इश्यूज़ उठाए, कुछ मॉइस्चर का इशू है, तो वो सारे इश्यूज़ की मॉडलिटीज़ मैंने SDM साहब को बता दी है। या गेट के ऊपर ही पटवारी बैठेगा, टीम बैठेगी, जो MFMB की और रेवेन्यू रिकॉर्ड का मिसमैच कहीं है वेरीफाई करा के पोर्टल पे ठीक करा देंगे। गेट पास भी, टोकन भी यहीं फैसिलिटेट होगा मंडी के अंदर। सेक्रेटरी साहब को भी मैंने बता दिया कि यहाँ सिस्टम ठीक रखें। दूसरा जो मॉइस्चर भी है, आपकी बार जैसे मौसम है, सीज़न आपको पता ही है, मॉइस्चर कुछ ज़्यादा है उसके अंदर, जो पिछली बार के मुताबिक कुछ मॉइस्चर में रिलैक्सेशन थी, तो वो गवर्नमेंट से एक बार हम कोशिश करेंगे टेकअप करने की। अदरवाइज़ जो मॉइस्चर स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक एजेंसीज को कह दिया कि पूरी मंडी में कम 2 बार एक राउंड हो जाएगा, और 2 बार राउंड होके हर डेयरी कवर हो, और 2 मंडियां हैं, 2 एरिया हैं इसके, तो 2 परचेजर के मैंने बोला है, 2 परचेजर करेंगे दोनों मंडियों में, पूरा राउंड जल्दी भी करनी है और शाम को सनसेट से पहले पहले ज़रूरी इसको कम्प्लीट करें।